देश में कोरोना के नए केसेस में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, महाराष्ट्र से क्या है राहत वाली खबर, किन किन राज्यों में आ रहे हैं कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस, विशेषज्ञों के किस अनुमान से डरी दिल्ली और अमेरिका में फिर कैसे आए रिकॉर्ड नए केस। देश और दुनिया में कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना के कोहरा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़े। कल कोरोना के 1,90,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, वहीं करीब 60,000 लोग स्वस्थ हुए हैं और 442 लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस में भी 1,25,000 मरीजों से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। देश में इस समय कुल एक्टिव केस यानी संक्रमितों की संख्या करीब 9.5 लाख है। महाराष्ट्र में कल कोरोना संक्रमण के 34,424 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि राज्य में लगातार दूसरे दिन पॉजिटिविटी रेट में गिरावट दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में सोमवार को 33,470 और रविवार को 44,388 नए मामले सामने आए थे। मुंबई में कल कोरोना के 11,647 मामले सामने आए हैं। राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अब बढ़कर 1,281 हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में कल कोरोना के 21,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, वहीं 23 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 25.65% हो गई है। इस बीच दिल्ली सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे करीब 40,000 मरीजों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आज से योग और प्राणायाम योगशाला शुरू कर दी है। ये सुबह 6 से 11 और शाम को 4 से 7 बजे के बीच चलेगी। दिल्ली में इस महीने के अंत तक रोजाना कोरोना के करीब 60,000 नए मामले सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक राजधानी में कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्रालय जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र ने दिल्ली में लगाए जाने वाले कोविड प्रोटोकॉल को पूरे NCR में लागू करने का आश्वासन दिया है। देश में कोरोना संक्रमण के नए केस के हिसाब से पश्चिम बंगाल तीसरे, तमिलनाडु चौथे और कर्नाटक पांचवें नंबर पर है। कल बंगाल में कोरोना के 21,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, वहीं तमिलनाडु में 15,000 से ज्यादा और कर्नाटक में करीब 14,500 नए संक्रमित मिले हैं। यूपी में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 44,000 से ज्यादा हो गई है। लखनऊ में कल कोरोना के 1,444 नए मामले सामने आए, जबकि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 1,829 और गौतम बुद्ध नगर में 1,680 नए मामले सामने आए। चुनावी राज्य उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। कल राज्य में कोरोना के 2,127 नए मामले सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हुई है। कल 416 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में इस समय कोरोना के 6,603 एक्टिव केस है, वहीं 13,000 से ज्यादा लोगों की कोविड रिपोर्ट पेंडिंग है। अमेरिका में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों ने अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में एक दिन में कोरोना के 10,13,000 नए मामले सामने आए हैं। उधर ओमिक्रॉन वेरिएंट प्रसार के साथ अमेरिका में लोगों के अस्पताल में भर्ती होने में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस बीच चीन ने अमेरिका से आए यात्रियों के संक्रमित निकलने के बाद दर्जनों अमेरिकी उड़ानों पर रोक लगा दी है। दुनिया भर में कोरोना फैलाने वाले चीन फिर से कोरोना की गिरफ्त में आता जा रहा है। कोरोना प्रकोप के चलते चीन के तीसरे शहर युझोऊ में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिससे चीन में घरों के अंदर कैद निवासियों की संख्या करीब 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। इस बीच चीनी शहरों में बड़े पैमाने पर कोविड टेस्ट जारी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।